Hey guys, welcome to my channel Sign with Nikhil. आज मैं आपको इतिहास क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे. इंग्लिश शब्द हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से निकलता है, जिसका अर्थ इंक्वायरी रिसर्च एक्सप्लोरेशन एंड इंफॉर्मेशन होता है. इसका प्रयोग सर्वप्रथम इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किया था. मतलब इतिहास ग्रीक शब्द से निकला है और इसका अर्थ है इंक्वायरी रिसर्च एक्सप्लोरेशन एंड इंफॉर्मेशन, और इसके जनक हैं हेरोडोटस. इतिहास से हम अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. मतलब इतिहास जानने के लिए हमें अतीत का सहारा लेना पड़ता है. इतिहास शब्द में मुख्य रूप से दो अर्थ बताए जाते हैं. ये दो मुख्य अर्थ क्या हैं हम देखेंगे. इतिहास विभिन्न घटनाओं का संलग्न मात्र है. इतिहास स्वयं एक घटना है. इतिहास किसी घटना के घटित होने को ही इतिहास कहते हैं, और यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ये घटनाएं कब क्यों कहाँ और कैसे घटित हुई. वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है. मतलब इतिहास को जानने के लिए हमें उसे कब क्यों कहाँ और कैसे घटित हुए, उन सभी को का उत्तर देना ही इतिहास कहा गया है. इतिहास को सभी लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है, अतः कुछ इतिहासकारों के परिभाषा को हम देखें. जोन्स इतिहास विस्तृत रूप में वह प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई, पर निश्चित रूप से वह घटना मानव जीवन से संबंधित है. ये इतिहासकार हेनरी जोन्स ने कहा. सर चार्ल्स हर्ज इतिहास मनुष्य के जीवन में जीवन का समाज में हुई परिवर्तन का समाज के कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों का तथा उन भौतिक वस्तुओं का जिन्होंने प्रगति से सहायता की लेखा जोखा है. ये इतिहास का सर चार्ल्स हर्ज ने कहा. रोब्सर घटनाओं अथवा विचारों का उन्नति से संबंध विवरण ही इतिहास है. अब प्रोफेसर ऑन्टे ने क्या कहा. इतिहासकार हमारे समस्त अतीत का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है. पांचवा हेनरी पाइकेन इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का लेखा जोखा है. तो इन पांचों इतिहासकारों ने अपने अपने परिभाषाओं को दिया है इतिहास के बारे में. इन सभी इतिहासकारों के कथन से हम समझ सकते हैं कि इतिहास अतीत का एक लेखा जोखा मात्र है. मतलब इतिहास एक लेखा जोखा ही है अतीत का. मतलब जो बीत चुका है उसी का इतिहास एक लेखा जोखा है. एक लंबे समय तक इतिहास का अर्थ तथ्यों का विस्तार समझा गया. तथ्य स्वयं बोल नहीं सकते, अतः इन तथ्यों को वाणी देने का काम इतिहासकार करते हैं. और हम जानते हैं कि तथ्यों के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता. मतलब किसी भी इतिहास को लिखने के लिए तथ्य का होना अति आवश्यक है. इतिहास में हमें जांच परखे तथ्यों का एक संग्रहित रूप मिलता है. इतिहासकार को ये तथ्य दस्तावेजों हस्तलेखों अभिलेखों शिलालेखों आदि से मिलता है. मतलब इतिहासकारों को इतिहास लिखने के लिए अन्य अन्य जगहों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है. 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक इतिहासकार इतिहास दर्शन के प्रति उदासीन रहे तथा दस्तावेजों और तथ्यों को ही इतिहास का आधार मानते रहे. तथ्य और दस्तावेज अपने आप में इतिहास नहीं है. कलिंगवुड जो एक इतिहासकार हैं के अनुसार इतिहास का संबंध ना तो अपने आप से में अतीत से होता है और ना ही अपने आप में अतीत के बारे में, बल्कि उसका संबंध इतिहासकारों के विचारों से है. अब
प्रत्येक इतिहासकार का विचार एक इतिहास होता है और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनः निर्माण होता है जिनका अध्ययन कर रहा होता है। इतिहास इतिहासकारों का अनुभव है। पहली बात तो यह है कि इतिहास के तथ्य कभी हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलते, क्योंकि शुद्ध रूप में ना तो वे रहते हैं ना रह सकते हैं। वे हमेशा तर्क की कसौटी पर कसकर उनके प्रमाणिकता की जांच कर प्रयोग में लाता है। मतलब इतिहास कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिला हमें, उसे हमें छाट के समझ के लिखा गया। जैसे कि मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ कि हमें स्वर्ण कभी भी शुद्ध नहीं मिलता, उसे हमें शुद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार इतिहास को भी हमें शुद्ध करना पड़ता है और उसे एक रूप देना पड़ता है। अब पहली बात हो गया। दूसरी बात यह है कि इतिहासकार को उन व्यक्तियों के मानसिक स्वरूप और उनके कार्यों के पीछे काम करने वाले विचारों की कल्पनात्मक समझ होनी चाहिए जिनको लेकर वह इतिहास लिख रहा है। जब तक इतिहासकार लोगों के मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता जिन लोगों के बारे में वह लिख रहा है, तब तक वह इतिहास नहीं लिख सकता। तीसरी बात यह है कि हम केवल वर्तमान की आंखों से ही अतीत को देख समझ सकते हैं। इतिहासकार अपने युग के साथ अपने मानविक अस्तित्व के शर्तों पर जुड़ा होता है। इतिहासकार का काम ना तो अतीत से काम करना है और ना ही अतीत से खुद को मुक्त करना है, बल्कि वर्तमान को समझने के लिए उसे अतीत में अध्ययन में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और अपनी समझ को वर्तमान की पूंजी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इतिहासकार को अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे वर्तमान में ही रह के अतीत को देखना पड़ता है और अतीत से ही उसे दस्तावेजों या फिर सामग्रियों को लाकर इतिहास लिखना पड़ता है। अतः इतिहास क्या है, इस प्रश्न पर प्रमुख इतिहासकार ई एच कार एक इतिहासकार का नाम है, कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार और तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अनुवर्त प्रक्रिया है। अतीत और वर्तमान के बीच एक अनहित संबंध है। इतिहासकार ईएचकार कहते हैं कि इतिहास एक अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित है। अब किसी भी टॉपिक को जान के हम उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं और एग्जाम्स में भी एग्जामिनर निष्कर्ष पे ही ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो जितने जो भी आंसर लिखा हुआ होता है उसको निष्कर्ष में ही समझा जा सकता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त कथन से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमें अतीत का सहारा लेना पड़ता है और इतिहासकार भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इतिहास क्या है, इसका उत्तर तो एक वाक्य पे तो नहीं दिया जा सकता, पर इतिहास अतीत का एक दर्पण है यह हम कह सकते हैं और इतिहास को लिखने में इसकी मदद लेनी पड़ती है। देखिए, ये मैंने एक निष्कर्ष निकाला, बट अगर अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग नज़रिया होता है तो आप अपने उस नज़रिए को भी इस निष्कर्ष में दे सकते हैं। तो निष्कर्ष हर स्टूडेंट से अलग अलग भी हो सकता है, तो इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही निष्कर्ष को देखें, आप अपने से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इतिहास किस किस क्षेत्रों से संबंध रखता है वो मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि राजनीति से, फिर समाज से कैसे संबंध रखता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। और आपको कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट कर बताएं, और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर टॉपिक की नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।